हाय एवरीवन, दिस इज एमडी फिदा हुसैन एंड वेलकम टू लॉजिक्स ऑफ इंजीनियर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक अनदर वीडियो के साथ हाजिर हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। हमें देखना है कि सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में फर्क क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जितने भी साइंस है ये सब रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर यूज किए जाते हैं। बट हमें क्या देखना है, हमें इन दोनों के बीच, ये सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स के बीच डिफरेंस देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ए और उसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दिया 10। तो ये जो वैल्यू असाइन किया गया है इसे ही कहते हैं हम सिंगल इक्वल्स टू का यूज। यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू का यूज ही किया जाता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए। सिंगल इक्वल्स टू इज यूज फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट इज नथिंग बट असाइनिंग अ वेरिएबल अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर ये सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये डबल इक्वल्स टू का। सिंगल इक्वल्स टू का यूज हम लोगों ने देख लिया, हम डबल इक्वल्स टू का यूज देखते हैं। डबल इक्वल्स टू इज यूज फॉर कंपैरिजन। ये डबल इक्वल्स टू का जो अब साइन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इनका यूज हम लोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ठीक है, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल। ए के अंदर हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया है 20 और बी के अंदर भी वैल्यू असाइन किया है 20। हमें ये डबल इक्वल्स टू का यूज किस लिए करते हैं, वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों वेरिएबल 20-20 दिया है। तो ऐसा सिचुएशन अगर हमें कहीं भी प्रोग्राम में देखा जाएगा कि दोनों में वेरिएबल अगर सेम रहे तो हमें कंपैरिजन करने के लिए हम इस डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। इस तरीके से ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए के अंदर 20 हमने डाला, बी के अंदर 20, और वो दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 20। तो 20 इक्वल्स टू 20, मतलब 20-20 अगर बराबर, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फिर जो रिक्वायरमेंट है आगे वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंगल और डबल का यूज करते हैं। सिंगल इज यूज फॉर असाइनिंग अ वेरिएबल, इवन दो डबल इक्वल्स टू आल्सो असाइन ए वेरिएबल, बट इट इज यूज फॉर कंपैरिजन, एज यू कैन सी हियर। सो इट इज यूज फॉर कंपैरिजन। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड डू शेयर माय वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।